निबंधन। पसंबर के गुन्नौर कोतवाली क्षेत्र के गांव सिकरोरा खादर में प्रेमपाल पुत्र डंबर उम्र करीबन 50 वर्ष खेत में काम करके वापस आ रहा था कि अचानक आंधी बारिश आने के कारण अपनी झोपड़ी में बैठ गया। अचानक दीवार भरभरा कर गिर गई। वहीं पर बैठा किशोर व प्रेमपाल दीवार के नीचे दब गए। वहीं चीख पिकार सुनकर ग्रामीणों ने दोनों को निकाला। प्रेमपाल की मौके पर ही मौत हो गई। किशोर गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अच्छा जी, खत्म हुए हैं? कौन है? हमारे पिताजी। कैसे हुए? खेत में से आ रहे थे, दीवार के लगकर खड़े थे, मेल है बारिश में, उसके नीचे दब गए। और कौन था? और मुझे तो पता नहीं है, काफी तो रामबाबू को रहे हैं। तो मौके पर ही मौत हो गई? नहीं, मौके पर ही मौत हो गई। अच्छा, दो और जो लड़के हैं वो घायल हैं? उन्हें कुछ चोट आ गई है। अच्छा, ये मौके पर ही खत्म हो गए। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए सीताराम कुशवाहा की रिपोर्ट, संभल। उत्तर प्रदेश के जनपद हमीरपुर में योजनाबद्ध तरीके से अपहरण हुए किसान को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में लेकर खुलासा किया है। हम बात कर रहे हैं हमीरपुर की, जहां पर 26 जून 2019 से लापता युवक पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ था। यहां पर पुलिस ने एक हफ्ते में ही गायब युवक का सुराग लगाकर उसको सामने लेकर आई, तो उसके बाद पुलिस भी हैरान है। रात में पुलिस से लापता हुए किसान को बरामद किया। मामले का पर्दाफाश हमीरपुर जनपद के राठ कोतवाली क्षेत्र के ग्राम इकौना का है, जहाँ पर छाया पुत्री मंगल सिंह ने दिनांक 26/6/2019 को कोतवाली राट में मलखान सिंह पुत्र राम दुलारे निवासी सैदपुर राट व पुष्पन सोनी पुत्र छोटेलाल के विरुद्ध अपने पिता मंगल सिंह के अपहरण का मामला दर्ज कराया था। वादिया छाया की 30 जून को शादी होना सुनिश्चित थी, जिस पर पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा ने मामले को संज्ञान में लेकर अपराध हुए किसान की बरामदगी के निर्देश पर राट पुलिस को दिए थे, जिसका पुलिस ने बरामद कर आज मीडिया के सामने पेश किया। शिवराज ने बताया कि किसान मंगल सिंह स्वयं ही पारिवारिक परिस्थितियों के वश व अपने पुत्री छाया व रीता के बहकावे में योजनाबद्ध तरीके से खुद ही गायब हो गया था। उन्होंने बताया था कि उक्त प्रकरण में अपहरण की झूठी योजना बनाने में सम्मिलित लोगों के विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी। यह मामला पुलिस के लिए सरदर्द बना हुआ था। इस मामले की काफी उछाला भी गया, लेकिन इसकी साजिश रचने वाले अब वो खुद हैं। पुलिस की निगाहों में क्षेत्राधिकारी ने कहा कि साजिश रचने वाले बच नहीं पाएंगे, पुलिस को गुमराह करने व षड्यंत्र रचने का मामला दर्ज किया जाएगा। क्यों हुए थे लापता? लापता नहीं थे। आपने खेत बेचा था अपना? कितने रुपए मिले थे उसके? 1,05,000। 1,05,000। आपके घर वालों का कहना है आप अपनी जेब में डाले थे वो रुपए जब बाजार आए थे? अपनी इच्छा से गए थे? अपनी इच्छा से गए थे आप? कहाँ गए थे आप? अपराकोना गांव का एक किसान गायब हुआ था, जिसका मुकदमा ही पंजीकृत हुआ था अपहरण का। आज वो मिल गया है, खुलासा हुआ है। क्या है पूरा मामला? मतलब इसका पूरा मामला यह है, जो किसान मंगल सिंह है, इनके तीन लड़कियां हैं। दो लड़कियों की शादी इनकी 2015 में हो गई थी, एक लड़की की शादी 6 तारीख को हुई थी। पिछली बार जब इनकी थोड़े गरीब किसान के हैं, तो पिछली बार लड़कियों की शादी पड़ी थी, दो हुई थे, गायब हो गए थे, जानबूझकर गायब हुए थे। कि जो रहेगा घर में शादी करेगा, तो गांव वालों ने मिल मिला किसी तरह से शादी किया था, इनको ढूंढ के लाए थे, तो कन्यादान किए थे। अब की बार उनसे इनकी शादी हुई तो वही पुराना वाला इन्होंने फार्मूला फिर अपनाया और घर से चले गए शादी के दिन पहले। हालांकि इस बार जब ये शादी से पहले गए थे, तो इनकी जो मुकदमा लिखाया बिटिया छाया, उनको भी पता था, इनकी मझली लड़की को भी पता था कि हम जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने झूठा मुकदमा लिखाया था। मेरे पिता को फारा हो गया है नेम लिखी, तो ये आ गए हैं। इनका कहना था हमको कहा गया कि आप यहाँ से चले जाए, मैं सब चला गया, मुझे ये नहीं पता, मेरे जाने पर मुकदमा लिखा गया, कहना है मुझे कोई ले गया था। टीवी वन इंडिया न्यूज़ के लिए रमन दीक्षित की रिपोर्ट, बुंदेलखंड। उत्तर प्रदेश के जनपद हमीरपुर में हवस के भूखे राक्षस रूपी इंसान ने मासूम किशोर को अपनी हवस का शिकार बनाया। पुलिस ने जब कोई कार्रवाई नहीं की, तो वहीं पीड़ित परिवार आला अधिकारियों के पास पहुंचा। मासूम के साथ दुष्कर्म करने के बाद आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं, तो वहीं पुलिस किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं कर रही। वहीं पीड़ित परिवार आला अधिकारियों के पास पहुँचा। मामला
आला अधिकारियों के संज्ञान में आते ही उन्होंने कार्रवाई करने का भरोसा दिया है। मैं आपको बता दें कि पूरा मामला हमीरपुर जनपद के मझवा थाना के ग्राम कुलेड़ा का है, जहां पर एक पिता ने आज संपूर्ण समाधान दिवस में उपस्थित होकर पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि 22 जून शनिवार को उसके 7 वर्षीय पुत्र के साथ ही पड़ोस के एक युवक पवन कुमार ने अश्लील हरकतें कर अप्राकृतिक कृत्य किया, जिसकी शिकायत उन्होंने थाना मझगवा में की थी, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई और न ही आरोपी युवक पकड़ा गया। उन्होंने अपर पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर आरोपी को विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। क्या क्या घटना हुई है, आप तहसील दिवस में आए हो? तहसील दिवस में शिकायत करने के लिए आए। क्या शिकायत, पूरी घटना बताइए। पूरी घटना, हम घर पे थे नहीं, उसकी माँ थी घर पे, गांव में था, मैं शादी में लगा था, तो बताया, तो मैं उनके घर परिवार वालों को बताया कि भाई ऐसा अपने बच्चे को ठांसो, वे कहे थे भाई तुम मारो, हम जानते हैं मारे तुम्हारे बच्चे को, अपना बच्चे को दाबो, तुम्हारे गलत काम। अच्छा, कब की घटना है ये? जी 23 तारीख। बच्चे की कितनी उम्र है आपकी? जी 7। क्या मझवा थाने में तहरीर दी थी? लिखी थी, उन्होंने कोई साबुत नहीं दिया, ना रसीद दी, ना कोई चीज़ दी। आरोपी पकड़ा गया? ना, सब घर पे कह रहे थे पैसा है हमारे पास क्या। अच्छा, किस गांव की घटना है ये? कुलेंडा गाँव। को यहाँ तहसील दिवस में दिया है प्रार्थना? डीएम साहब को। क्या आश्वासन दिया गया है आपको? हाँ जी। क्या कहा उन्होंने? कह रहे कि हम शाम को करवाएंगे कार्रवाई। क्या नाम है आरोपी का? किसका? आरोपी का पवन कुमार, पवन कुमार राज। आप यहाँ तहसील दिवस में आए हो, क्या समस्या है आपको? समस्या ऐसे है कि जो पवन कुमार राजपूत थे मेरे लड़के के साथ में, उसने गलत बलात्कार किया है, और पुलिस दो पुलिस को गए तो पुलिस ने कोई सुनाई नहीं की। वो लड़का खुलेआम घूम रहा है, अपराधी है जो वो लड़का। कहाँ का है ये? कुलेंडा का। क्या किया है आपके लड़के के साथ? कोतवाली में शिकायत दी आपने? कौन सा थाना लगता है आपका? ये हम मझगवा गए थे, थाने में गए थे तो कोई सुनाई नहीं की, और फिर यहाँ आए अब। अच्छा, आपके बच्चे की उम्र कितनी है? 7 साल। कब की घटना है ये? 22 तारीख। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई? ना, कोई नहीं। तहसील दिवस में प्रार्थना पत्र दिया है आपने? क्या कहा? टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए भगवती प्रसाद सोनी की रिपोर्ट, हमीरपुर। मजदूरों को नरेगा का पैसा न देने वाले वन विभाग के दरोगा की शिकायत मंगल दिवस में मजदूरी न मिलने पर की गई, जहां पर दर्जन भर फरियादी पहुंचे। आपको बता दें कि वन विभाग के दरोगा पर पैसे न देने का आरोप दर्जन भर परिवार लगा रहे हैं, मजदूरी के पैसे के लिए मारे मारे घूम रहे हैं। मामला जनपद हमीरपुर के मझगवा थाने के का है, जहाँ पर ग्राम सरगांव में एक दर्जन से अधिक मजदूरों ने आज आला अधिकारियों से शिकायत पत्र देकर आरोप लगाए हैं, जहाँ की 20,000 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से एक साल की मजदूरी उन लोगों को नहीं दी गई। पैसा मांगने पर दरोगा अभद्रता से व्यवहार करता है, मजदूरों की खून पसीने की कमाई भी चढ़ कर गया। क्या नाम है आपका और आपको यहाँ तहसील दिवस में क्यों आए हो? सर, मंगल दिवस में दरखास्त देने आए हैं, नरेगा का काम करता है, वन विभाग में कोई पैसा नहीं दे रहे, एक साल हो गई सर। अच्छा, किसने शिकायत की आपने इसकी? कम से कम 1 महीना हो गया सर, हर मंगल दिवस में आते हैं दरखास्त देने, कोई सुनाई नहीं हो रही है। कितना पैसा बकाया है आप लोगों का? पैसा है 20,000 रुपया सर। अच्छा, कितने लोगों का बकाया? 10 लोगों का बकाया है। कहाँ की, किस गांव के मामला है? सर गांव के हैं सर, मझगवा में काम करते थे, रामगढ़ सर का, रामगढ़ में काम करते थे। पैसा नहीं दिया गया? नहीं सर। किसने नहीं दिया पैसा? सतीश बाबू जी वन विभाग वन दरोगा है सर। अच्छा, उनसे आपने शिकायत की वन विभाग के स्तर? जी सर, कई बार कह चुके रेंजर साहब से जी, कहते रेंजर साहब बोला अगली मंगल दिवस को तुम्हारे पैसे दिलवा देंगे, फिर उन्होंने नहीं दिलाया, ना कोई सुनते हैं सर। अभी आपने प्रार्थना पत्र दिया है, क्या आश्वासन दिया गया है? बिल्कुल नहीं दे रहे, कोई आश्वासन नहीं है सर। अच्छा, क्या कहा अधिकारियों ने अभी? अभी अधिकारियों ने मंगल दिवस में दरखास्त दे दी जी, बोलते हैं। वन इंडिया न्यूज के लिए रिजवानुद्दीन की रिपोर्ट, मौदहा हमीरपुर। हमीरपुर के राठ में आवास देने के नाम पर खंड विकास अधिकारी पर 20,000 रुपए रिश्वत मांगने का आरोप लगा है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना में पैसों का हनन पर ग्रामवासियों ने मंगल दिवस में आला अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा और न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित श्याम किशोर ने बताया कि उसका कच्चा मकान जुलाई 2017 में गिर गया था, तब से उसका पूरा परिवार बेघर है। बताया कि उसने खंड विकास अधिकारी से कई बार शिकायत भी की, लेकिन उन्होंने 20,000 रुपए की रिश्वत मांगी, जो कि पीड़ित नहीं दे पाया, और उसकी शिकायत पर कहीं पर भी कोई सुनवाई।
भी नहीं हो रही। क्या नाम है आपका और आप जेएफएलएफ में आए हो, क्या समस्या है? मेरा नाम श्याम किशोर है, मेरी पत्नी श्रीमती शीला देवी डाटर ऑफ हरदयाल के नाम से आवास स्वीकृत है और 20,000 रुपए ना देने के कारण शशि देवी जी ने मेरा आवास नहीं दे रही हैं। और स्वीकृत पत्र मैंने जिलाधिकारी महोदय जी को दिखाया, उप जिलाधिकारी महोदय जी को दिखाया, उन्होंने कहा जब स्वीकृत है क्यों नहीं दिया जा रहा, उनकी पैसे मांगने की और रुपए लेने की आदत है, मैं परेशान होता रहता हूँ। 17 जुलाई 2017 को मेरा घर गिर गया था वर्षा काल में, बच्चे बेचारे बरसात में किसी तरह भीगते रहते हैं और आज तक कोई सुनवाई नहीं होती है। मेरे साथ ये अन्याय हो रहा है, 20,000 रुपये मांगते हैं, मेरे पास नहीं है, मैं कहाँ से दे दूँ? कौन मांग रहा है अभी? श्रीमती शशि देवी खंड विकास अधिकारी, सचिव और ग्राम प्रधान सम्मिलित हैं। आपने इसकी शिकायत की अधिकारियों से? मैंने इनकी शिकायत श्री जिलाधिकारी महोदय जी से की है और उन्होंने इस पे कहा कि शीघ्र ही इसकी उचित कार्रवाई करें और उसे आवास दिलाया जाए। क्या लगता है आपको आवास मिला या इन पे कार्रवाई हुई अभी तक? कार्रवाई उन्होंने जांच की थी उप जिलाधिकारी महोदय ने, तो मैं पात्र पाया गया, मेरा खंडहर उस समय से 17 जुलाई 2017 से खंडहर पड़ा हुआ है और बच्चे मांग करके राधाचरण जी के मकान में रह रहे हैं, किस तरह जीवन यापन कर रहा हूँ, एक मैं मजदूर हूँ। नहीं कार्रवाई हुई और जो आपसे पैसे मांग रहे हैं? कार्रवाई कुछ नहीं हुई है, उन्होंने उसको पत्र को। टीवी इंडिया न्यूज के लिए भगवती प्रसाद सोनी की रिपोर्ट, महोबा बुंदेलखंड। आजमगढ़ के बर्दा में स्थानीय बर्दा कस्बे में मंगलवार को प्रतिमा अनावरण समारोह दिवंगत कर्नल आर के राय प्रथम पूर्ति तिथि कृष्णा पब्लिक स्कूल बर्दा प्रांगण परिसर में किया गया, जहां पर कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती पुष्प और दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्रीमती प्रभा राय ने किया, तो वही कॉलेज की छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि पूर्व पुलिस महानिदेशक व पूर्व महात्मा गांधी हिंदू विश्वविद्यालय वर्धा मुंबई कुलपति विभूति नारायण, विशिष्ट अतिथि भोजपुरी कलाकार असलम शेख का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। वन इंडिया न्यूज के लिए राजेश सिंह की रिपोर्ट, आजमगढ़। हरदोई में ग्राम सभा एरिका में प्रधान की दबंगई थमने का नाम नहीं ले रही है। जी हां, हम बात करें हरदोई की ग्राम सभा एरिका का, जहां पर गांव का खड़ंजा का पैसा तो निकाल लिया गया लेकिन खड़ंजा अभी तक नहीं लगा है। लोगों के शौचालय भी अधूरे पड़े हैं, जहां पर स्वच्छता अभियान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। आपको बता दें कि गाँव के लगभग 60% शौचालय अभी अधूरे पड़े हैं। जो भी पैसा आया है प्रधान ने निकाल तो लिया है लेकिन शौचालय अभी तक नहीं बनवाए हैं, जिसके चलते जनता खुले में शौच करने के लिए मजबूर है। वन इंडिया न्यूज के लिए आर के सिंह की रिपोर्ट, अतरौली हरदोई। प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद से लगातार हम आपको स्वच्छ भारत मिशन से जुड़ी नगर निगम की स्पेशल तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज एक बार फिर हम आपको लिए चलते हैं फिरोजाबाद के वार्ड नंबर 18 में, जहां पर चारों तरफ गंदगी ही गंदगी व्याप्त। नगर निगम कहता है कि नाले नालियों की तड़ी जाल सफाई करा दी गई है, तो वही नाले नालियां अभी भी गंदगी से भरे पड़े हैं, जिससे यह साफ होता है कि कहीं ना कहीं नगर निगम की मंशा ठीक नहीं है। जानबूझकर स्वच्छ भारत मिशन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इसी तरह करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर नमामि गंगे प्रोजेक्ट चलाया गया, जिसके तहत गंगा और यमुना जैसी पावन नदियों की साफ सफाई का काम होना था, लेकिन जनपद फिरोजाबाद की अगर हम बात करें तो यहां के छोटे छोटे बड़े नालियां और नाले सभी बदस्तूर हो चुके हैं। आज भी यमुना नदी में गिरते हैं, जिसके चलते यमुना बदतर हालत में पहुंच चुकी है। इसके लिए कहीं ना कहीं नगर निगम भी जिम्मेदार है, क्योंकि जब इन नालों की टैंपिंग नहीं की जाएगी तब तक इन नाले नालियों की यमुना में गिरने से रोका नहीं जाएगा, तब तक नमामि गंगे प्रोजेक्ट की कल्पना करना भी बेमानी होगी। इस पूरे विषय में हम पूर्व में हम नगर विधायक मनीष से भी बात कर चुके हैं, जिन्होंने बताया कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का काम जोरों पर चल रहा है, जिससे इस नाले और नालियों पर सीधे पानी ट्रीटमेंट प्लांट में जाएगा, जहां से सही होकर पानी को यमुना में प्रवाहित किया जाएगा। लेकिन अब वह ट्रीटमेंट प्लांट और ये योजनाएं सभी अधर में लटकी हुई हैं, क्योंकि नगर निगम कुंभकर्ण क्लीन हो रहा है, जिसकी वजह से आज भी जीवनदायिनी गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियां नाले और नालियों में परिवर्तित हो चुके हैं। इससे ज्यादा और शर्म की बात हमारे लिए क्या हो सकती है? देखिए हमारे साथ देवाशीष शर्मा की रिपोर्ट फिरोजाबाद। आपका यहाँ बिजली नहीं आती है? नहीं आती। कितने दिनों से नहीं आई है? कम से कम 6-7 महीने हो गए। लाइट नहीं, पानी ना? पानी है। और सड़क की व्यवस्था कैसी है? सड़क की व्यवस्था खराब है। आपने किसी से शिकायत की? सबसे शिकायत की किसी ने नहीं सुना। किस किस से की? अरे संजय गोरख से भी कहा और इनका कहा नाम हसिया जी से कहा, सबसे किसी ने नहीं सुनी। और किसी से? और तो मैं किसी को ज्यादा जानता नहीं। अधिकारी आते हैं यहाँ घूमने? खूब आते हैं पर कोई सुनवाई नहीं हो रही अभी तक। सुनवाई नहीं हो रही जी। यहाँ पर नाले में कब से गंदगी है? कम से कम है 1.5 साल करीब हुई जा रही है। कोई अधिकारी आता है देखने के लिए? कोई नहीं आता। यहाँ पर पार्षद कौन है यहाँ का? संजय गोरख।
कभी आए देखने के लिए? आते आते रहते, जब देखते रहते, कोई कुछ नहीं कहता यहाँ पे। इसका नाले का पानी आपकी तरफ भी जाता है? हमारे मकान के पीछे वो पूरे में भर जाता है। और इसकी जो नाले की दीवार टूटी है, कब से टूटी है? कम से कम 2 साल के करीब हो गई इसे। और कोई घटना इसके अलावा? बच्चे भी आए दिन गिरते रहते हैं हमें। आपने किसी से अभी तक शिकायत नहीं की? सब किससे शिकायत करूँगी, कोई आता है कोई सुनता नहीं है यहाँ पे। लगातार जनपद फिरोजाबाद के हालात दिखा रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन से जुड़ी हुई तमाम तस्वीरें हम आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं। जिस तरीके से आज जनपद फिरोजाबाद एक कूड़े के ढेर में तब्दील हो चुका है, जगह जगह कूड़े का अंबार लगा हुआ है, लेकिन नगर निगम का निरंकुश रवैया फिलहाल अधिकारी हमारे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जनपद फिरोजाबाद की जनता आज इस गंदगी मार झेल रही है। अगर हम बात करें स्वच्छ भारत मिशन की, नमामि गंगे की, नमामि गंगे एक बड़ा प्रोजेक्ट है जिस पर करोड़ों रुपया खर्च करके गंगा और यमुना की सफाई होनी थी, लेकिन फिरोजाबाद में अगर हम बात करें तो आज भी बदस्तूर गंदे नाले और नालियां यमुना नदी में गिर रहे हैं, जिसकी वजह से आज यमुना नदी एक नाले और नाली के रूप में परिवर्तित हो गई है। तो कहीं ना कहीं एक शर्म की बात है। और नगर निगम साफ तौर पर स्वच्छ भारत मिशन और नमामि गंगे जैसे बड़े अभियानों की लगातार धज्जियां उड़ाता हुआ नजर आ रहा है। मानसून का मौसम है, बारिश आने वाली है, बारिश दस्तक दे चुकी है, लेकिन उससे पहले नगर निगम की कहीं भी कोई भी तैयारियां नहीं देखी गई हैं। जगह जगह कूड़े का अंबार लगा पड़ा है, बड़े नाले जिनकी सफाई का दावा किया गया था, हम आपको लगातार रिपोर्ट में दिखा रहे हैं, तो वो नाले आज भी गंदगी से भरे पड़े हैं। 2 बूंद पड़ने के बाद जनपद फिरोजाबाद का जलमग्न होना तय है। वहीं दूसरी तरफ नमामि गंगे प्रोजेक्ट की बात करें तो आज भी गंद से भरी नालियां और बड़े नाले यमुना में बदस्तूर जा रहे हैं, जिसको लेकर अभी कोई भी तैयारियां नहीं की गई हैं, केवल दावे और बातें की जाती हैं, लेकिन धरातल पर काम कुछ नहीं। हम साफ तौर पर नगर निगम के लिए कह सकते हैं, अंधेर नगरी चौपट राजा, टकेसर बाजी चकेसर खाजा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। अपने सहयोगी मयंक शर्मा के साथ मैं देवाशीष शर्मा, TV1 इंडिया न्यूज़ के लिए फिरोजाबाद। फिरोजाबाद में आज TV1 इंडिया न्यूज़ की टीम ने रियलिटी चेक किया, जहां पर नगर निगम हमारी रियलिटी चेक में फेल होता नजर आया। आज हमारी टीम ने नगर निगम का निरीक्षण किया, जहां पर 10:30 बजे तक निगम का कोई स्टाफ वहां पर मौजूद नहीं था और न ही कोई अधिकारी वहां पर मौजूद है। निगम में ताले लगे हुए मिले। हम बात करें फिरोजाबाद की, जहां पर नगर निगम फिरोजाबाद में नगर निगम के कर्मचारी अधिकारी सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ का कोई भी आदेश मानते नजर नहीं आ रहे। योगी जी के नगर निगम और अधिकारी कर्मचारी आपके आदेश नहीं मानते। आपको बता दें कि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया था कि सभी सरकारी कर्मचारी अपने अपने दफ्तर समय से बैठे और जनता की समस्याएं सुनकर उनका समाधान करें, लेकिन नगर निगम में सुबह 10:35 तक ना तो नगर आयुक्त मिले और ना ही महापौर। इतना ही नहीं, लगभग निगम के सभी दफ्तरों का यही हाल था, ना ही अधिकारी थे और ना ही कर्मचारी। फिर आखिरकार जनता का दर्द सुनेगा तो कौन सुनेगा? सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिए थे कि साफ तौर पर सभी अधिकारियों को अपने अपने ऑफिस में समय पर बैठना है, और अभी हाल ही में DM और SSP को भी सख्त आदेश दिए कि 9 बजे से 11 बजे तक अपने ऑफिस में बैठकर जन सुनवाई, जनता की समस्याओं को सुने। लेकिन जनपद फिरोजाबाद का नगर निगम, साफ तौर पर हम नगर निगम से जुड़ी हुई आपको तमाम खबरें दिखा रहे हैं, लेकिन नगर निगम का जो रवैया है, यहाँ 12-12 बजे तक लोग नहीं आते हैं। साफ तौर पर 10:30 बज चुके हैं, अभी तक यहाँ अपनी सीट पर ना महापौर है, ना नगर आयुक्त है, ना कोई अधिकारी है, ना कर्मचारी हैं। ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि एक तरफ जहाँ जनपद फिरोजाबाद तमाम समस्याओं से इस समय ग्रसित है, तमाम गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जनपद फिरोजाबाद कूड़े के ढेर में तब्दील हो चुका है, लेकिन नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी मौज में हैं, फिलहाल मौज मारने में व्यस्त हैं। साफ तौर पर अगर कहें तो अधिकारी मस्त और जनता त्रस्त नज़र आती है। और साफ तौर पर हम ये कह सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ के आदेशों की धज्जियां नगर निगम के अधिकारी इस समय उड़ा रहे हैं, समय से अपने अपने कार्यालय नहीं पहुँचे। फिलहाल इस TV1 इंडिया न्यूज़ के लिए देवाशीष शर्मा की रिपोर्ट, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश।